दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आसाम राइफल्स रैली 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है आसाम राइफल्स रैली के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आप आसाम राइफल्स की ये साइट खोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आसाम राइफल्स रैली के लिए फैच डिटेल टू प्रिंट कॉल लेटर फॉर रैली, तो यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल की थी वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एंटर योर आईडी नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिल किया था उससे मैं डाला था वो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर DD/MM/ईयर इस बॉक्स में फिल करेंगे ये डिटेल्स, और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जैसे ही अपनी डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आपका आईडी नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर अप्लाई पोस्ट, यहाँ पर हवलदार क्लर्क, आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था यहाँ पर पोस्ट नेम आ जाएगा, और यहाँ से दोस्तों अप्लाई कैटेगरी, उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट कॉल लेटर और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रिंट कॉल लेटर वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आपका जो कॉल लेटर है वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना ना भूलिए जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो रैली टेक रैली 2023, तो यहाँ पर आपको हवलदार क्लर्क का है ये। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो डिटेल्स है वो सारी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपका नेम लिखा रहेगा, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पर दोस्तों कॉल लेटर फॉर आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट रैली 2023। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टू अटेंड आसाम राइफल टेक्निकल रैली के लिए ये ले जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यू आर एडवाइज टू रिप्रिंट टू प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फिज़िकल। तो यहाँ पर दोस्तों ये एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है, आपका जो भी एड्रेस है वो लिखा है, उसके बाद में आपका कॉल लेटर, यहाँ पर आपको ओरिजिनल कॉल लेटर लेके जाना है एग्ज़ाम में, आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, सारी मार्कशीट आपको ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट के प्रूफ में ले जाना है, यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC WS एप्लीकेबल हैं तो, यहाँ पर लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है आपको पुलिस अथॉरिटी से निकला के, यहाँ पर 10 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आपको 10 फ़ोटो ले जाना है अपना लेटेस्ट, और यहाँ पर फ़ोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये सारी जो डिटेल्स है वो नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना है, ये सारी आपको ले जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ध्यान से ये सारा नोटिफिकेशन आपको चेक करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रिंट बटन मिलेगा, यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आसाम राइफल्स 2023 रैली के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड घर बैठे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।